हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है वीडियो जन्माष्टमी का। आई नो वीडियो काफ़ी लेट है, मैंने बहुत टाइम से अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, बस लाइफ कुछ ऐसी ही चल रही है। बहुत बिजी हूँ आजकल तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता और वीडियो अपलोड करने का, बट आई विल ट्राई कि मैं अब आगे से थोड़ा वीडियो अपने चैनल पर फिर से अपलोड करने स्टार्ट करूँ। तो ये जन्माष्टमी से एक दिन पहले का वीडियो है जिसमें कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने किया एक दिन पहले लड्डू गोपाल जी का मेकअप। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर जो जन्माष्टमी का मेरा वीडियो आया था उसमें मैंने एक वीडियो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार घर पे कैसे करें उसमें मैंने डाला हुआ है पूरा वीडियो कम्प्लीट। तो इसमें मैं नहीं दिखा रही हूँ, इसमें मैंने सिर्फ टचअप किया है, बिकॉज लास्ट ईयर वाला मेकअप एज इट इज़ है, ज़्यादा ख़राब हुआ ही नहीं। वो वीडियो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने इस बार ना डेकोरेशन मैंने डिसाइड किया था कि मैं बाहर से करवाऊँगी, खुद नहीं करूँगी। निवान के साथ ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो इस ये देखिए डेकोरेशन वाले भैया आए हुए हैं और उन्होंने इस बार डेकोरेशन की। और ये देखिए डेकोरेशन के बाद पूरा लुक। वीडियो मैं शॉर्ट में ही बना रही हूँ बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। तो ये मैंने पहले से सारा अपने डाइनिंग टेबल पे जो है सारी तैयारी करके रखी थी, उसके बाद बस उन्होंने जो है फ्लावर का डेकोरेशन कर दिया। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करवाया था, सिंपल सा था पर बहुत सुंदर था। तो ये काना का झूला और ये मैंने जो है सारा आसन वगैरह लगा दिया डाइनिंग टेबल पे। और ये फ्लावर्स की डेकोरेशन है, इसमें लाइट्स वगैरह लग गई हैं। और यहाँ पे देखिए माखन मटकी मैंने दिखाने के लिए इसमें मैंने ये वाइट कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर्स डाले हैं, बाद में मैंने इसमें लाइट्स भी ऐड कर दी थी। अब मैं आपको साथ साथ ही ना अपनी जन्माष्टमी की शॉपिंग भी दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया था। तो ये कान्हा के टॉयज़ हैं, जो कान्हा के लिए हम टॉयज़ लाए हैं। लास्ट ईयर भी लाई थी मैं थोड़े से और इस बार भी लाई हूँ। तो ये देखिए बड़ा प्यारा सा ना डाइनिंग टेबल मिल रहा था, चेयर साइज में 5 कान्हा लिखा हुआ है इसके ऊपर। बहुत छोटी छोटी चेयर है, आप बिलीव करेंगे मेरे नेल के साइज़ की चेयर है, आप इतने छोटे हैं। और ये कान्हा के लिए झुंझुना और ये कुछ हाथी घोड़े वगैरह छोटे छोटे टॉयज़ हैं उनके लिए। ये झुंझुना बजता भी है, बड़ा प्यारा झुंझुना छोटा सा। और एक और स्पेशल चीज़ ये है कान्हा का, मेरे ना जो शीशा था वो टूट गया था तो ये सेट मिल रहा था वहाँ पे, हमने ये लिए। बहुत अच्छी क्वालिटी और हैवी है बहुत ज़्यादा, आई थिंक पीतल या ब्रास जैसे कुछ होता है ना वो है। तो ये कॉम्ब और मिरर का सेट है मैंने लिया कान्हा के लिए। और उसके अलावा ये है ये तुलसी जी आर्टिफिशियल जो वैसी मिल रही थी, मतलब ब्रास की है, ये भी मैंने ले ली एक सजाने के लिए, बड़ी प्यारी लग रही थी ये भी। और ये तो हो गया कान्हा के टॉयज़ और सामान। उसके बाद है कान्हा का मेकअप, यानी कि कान्हा की ड्रेस और बाकी का सारा सामान जो हम उनके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले ये है देखिए कान्हा का मोर पंख, लास्ट ईयर भी मैंने दिखाया था ना, ये 5 मोर पंख से मिलके बना हुआ है। और ये एक मुकुट लिया है, वैसे तो ड्रेसेस के साथ में पगड़ी आई है पर मैं ये अलग से एक मुकुट लेके आई हूँ। और एक तुलसी माला है, न्यू हेयर है कान्हा के लिए। और साथ ही ये देखिए ये बहुत सारी ज्वेलरी है, ज्वेलरी मैंने काफ़ी सारी खरीद ली थी, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे हार ले लिए थे, जो उनको उस टाइम पहनना होगा वो पहन लेंगे। और ज्वेलरी मेरी पुरानी हो रही थी, काफ़ी टाइम से परचेज नहीं की थी, तो मैंने 4-5 हार ले लिए थे और हाथों के लिए 2 पेयर कंगन के लिए। और उसके बाद ये देखिए एक और स्पेशल चीज़ मुझे वहाँ पे मिल रही थी, ये है कान्हा के लिए पंखा चवर, यानी कि इससे हम कान्हा को हवा करेंगे, ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा तो मैंने ले लिया। और उसके अलावा कान्हा की ड्रेसेस मैं आपको दिखाती हूँ। कान्हा के लिए मैंने 2 ड्रेस परचेज की थी और आपको पता है मैं ड्रेसेस जो कान्हा की लेती हूँ हर साल वो ऑर्डर पे बनवाती हूँ, मैं शॉप से परचेज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने 2 ड्रेसेस बनवाई थी इस बार, एक ये ड्रेस है देखिए पिंक कलर की, बहुत हैवी ड्रेस है, बड़ा प्यारा वर्क है इसके ऊपर मोती का। और उसके अलावा एक और ड्रेस है, ये जरी वर्क वाली है और उसके साथ पिंक वाली के साथ पगड़ी तो इतनी सुंदर है ना, इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बनी हुई हैं। बस इसीलिए मैं बाहर शॉप से सामान नहीं लेती, बिकॉज़ वहाँ ना
ड्रेसेस तो मिल जाती हैं अच्छी, पर मुकुट पगड़ी मुझे पसंद नहीं आती। और मेरी सभी जितनी कान्हा जी की ड्रेसेस हैं ना, उनके सबके साथ ना मुकुट और पगड़ी इतनी सुंदर है कि एकदम हमारे कान्हा जी जो है ना वो बिल्कुल रॉयल लगने लग जाते हैं, वो तो है ही रॉयल। और ये देखिए पगड़ी येलो ड्रेस के साथ की, ये इतनी सुंदर पगड़ी है ना, जब कान्हा पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। मैंने दोनों ड्रेसेस रख ली हैं निकाल के, कान्हा को जो पहननी होगी उस टाइम पे वो पहन लेंगे। और ये है कान्हा का सारा मेकअप, ये और ड्रेसेस एक्सेसरीज। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने थोड़ी सी ना डेकोरेशन छुड़वा दी थी, बिकॉज़ क्या है मुझे रियल फ्लावर का भी थोड़ा टच चाहिए था, आर्टिफिशियल फ्लावर पीछे लगे हुए थे। तो फिर बाद में उन्होंने भैया ने रात को 11 बजे आके ये एक बुके बना के रियल फ्लावर का, वाइट और रेड रोजेज़ हैं इसमें और कुछ ग्रीन लीव्स हैं, ये देखिए कान्हा के झूले के चारों तरफ लगा दिया, ये रियल फ्लावर्स हैं। तो मुझे चाहिए था कि कुछ तो रियल होना चाहिए, तो ये सारा देखिए कान्हा का झूला जो है रियल फ्लावर्स से डेकोरेट हो गया। और आप झूले के अंदर एक झूमर देख रहे हैं, मैंने बताया था लास्ट ईयर भी कि हमें हर बार कान्हा को उनके बर्थडे पे, जैसे हम अपने बच्चे को गिफ्ट करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने भाव अनुसार, जैसी भी जिसके श्रद्धा हो, और ये नहीं है कि दिखावा आडंबर नहीं करना है, जितना आपके मन में हो सेवा भाव से वो आप उनके लिए कुछ भी गिफ्ट ज़रूर लेके आए, कुछ भी दे पर दें ज़रूर। वैसे तो हम देने वाले कौन होते हैं, वो हमें देते हैं, पर फिर भी जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं उनके बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, तो हमें कान्हा को भी ज़रूर देना चाहिए। तो इस बार मैं उनके लिए लाई थी ये छत्र, उनके झूले पे मैंने छत्र लगाया, ये बहुत सुंदर था। और पूरी शॉप में सिर्फ एक ही पीस था, और मैंने भैया को बोला बस मुझे ये दे दो आप, तो उन्होंने एक्चुअली ये लगा रखा था कहीं पे और मैंने उतरवा के ये ले लिया, एक ही पीस था शॉप पे। और ये है मेरा मंदिर जो कि मैंने अभी न्यू परचेज किया है, और ये मेरे मंदिर पे भी थोड़े बहुत फ्लावर भैया ने बाद में, मैंने एक बुके मंदिर पे भी लगवा लिया। तो ये देखिए ये है हमारा घर का मंदिर, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। और कान्हा का भी दरबार जो है डेकोरेट होके बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जन्माष्टमी का दिन। मैंने एक्चुअली थोड़ा ये इंट्रो वीडियो बनाया था, बट आई डोंट नो कैसे इसमें वॉइस नहीं आई, शायद मेरा माइक वगैरह में कुछ इशू होगा तो इसलिए वॉइस नहीं आ पाई। तो ये मैं इंट्रो वीडियो बना रही हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, काफ़ी टाइम से मैंने कई मंथ से वीडियो अपलोड नहीं की, इस बीच हमने एक नए घर में शिफ्ट भी किया है और वीडियो में आपको वही घर दिखाई दे रहा है। बाद में कभी मैं आपको अपना घर पूरा दिखाऊंगी दिवाली पे, या कभी मैं एक बार पूरा फिर से आपको दिखाऊंगी अपने घर का पूरा लुक। अभी अभी हमने शिफ्ट किया है तो अभी तो चल रहा है सेटिंग वगैरह, तो बीच में फेस्टिवल भी आ गए हैं। तो ये था इंट्रो वीडियो, पर लेकिन मैंने इसमें वॉइस ओवर मुझे ही करना पड़ा, बिकॉज ये वीडियो में वॉइस नहीं आ पाई। तो ये है सारी की सारी तैयारी प्रिपरेशन जो मैंने करके रख ली है। यहाँ पे सारा पंचामृत का सामान है कि अभी हम कान्हा को पंचामृत से स्नान कराएंगे, सारे बर्तन सारा सामान मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, गंगा जल दूध दही घी शहद शक्कर सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, कान्हा की ड्रेस कान्हा का सारा मेकअप सब कुछ मैंने यहाँ पे तैयार करके रख लिया है। तो सबसे पहले देखिए आप कान्हा को हम पंचामृत से सुबह का स्नान करवाएंगे, आप भी आनंद लीजिए कान्हा के स्नान का।
दोनों ड्रेसेस में से काना ने येलो ड्रेस सिलेक्ट की है, वो येलो ड्रेस पहनेंगे। येलो उनका फेवरेट कलर है, वैसे भी मेरे काना का फेवरेट कलर येलो और पीच है। तो ये ड्रेस काना को मैंने मॉर्निंग के टाइम पे पहनाई और पिंक वाली ड्रेस मैंने रख दी, जो कि वो रात को नहाने के बाद पहनेंगे। श्रृंगार जब नहाने के बाद, उनका जन्म के बाद जो श्रृंगार होगा उसमें वो पिंक ड्रेस पहनेंगे। ड्रेस बहुत सुंदर थी और हमेशा ना काना की ड्रेस परफेक्ट आती है, कभी कोई चेंज कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही प्यारी ड्रेस है और इतनी सुंदर लगी थी ना। और हार वगैरह जो मैं लाई थी वो डबल डबल करके मैंने सब पहना दिए, जो जो उनका मन था वो सब उन्होंने अपना श्रृंगार धारण किया। तो वो भी देखिए आप कैसे किया हमने सारा श्रृंगार काना का। रेडी होने के बाद काना को लगाया हमने इत्र। और यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया। काना को स्नान कराने में और तैयार करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, 1 घंटा। तो ये है वो पंखा चंवर जो मैं बोल रही थी, वो हवा करने के लिए काना को। तो ये है वो, इससे मैंने काना को हवा की। और उसके बाद हम काना को दिखाएंगे शीशा, ताकि दर्पण में वो खुद को देख सकें कि वो कैसे लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे, अभी आप साइड लुक देख रहे हैं, जब आप फ्रंट से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने सुंदर लग रहे थे। यहाँ मैंने लगाया अपने काना को काजल, ताकि मेरे लल्ला को किसी की नज़र ना लगे। और ये देखिए तैयार होने के बाद काना का लुक, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। मतलब मुझे लग रहा था किसी की नज़र लगे ना लगे, मेरी खुद की नज़र लग जाएगी, बहुत सुंदर। अभी ये मैंने वो जो छत्र था ना ठीक करके लगा दिया झूले के ऊपर काना के। इसके बाद हमने किया काना को झूले में विराजमान। और अब देखिए आप काना का लुक, कीजिए दर्शन काना के।
उसके बाद हमने की कान्हा की सुबह की आरती। यहाँ पे निवान और रुद्र भी मेरे साथ हैं। अभी मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताती हूँ। हर माँ जो है ना, वो कहीं ना कहीं यशोदा माँ बनना चाहती है, और जिनके यहाँ पे कान्हा हो वो खुद को यशोदा ही समझती है। मैं तो समझती हूँ कि मेरे पास कान्हा है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, पर वो हमारा लल्ला है और हम भी यशोदा मैया हैं। तो मेरा बहुत मन था कि कभी मैं भी यशोदा मैया वाला लुक लेके पूरा ये प्रॉपर यशोदा मैया बनूं। तो इस बार मैंने प्रॉपर लहंगा मंगवा कर और मेकअप करवा के पूरा इवनिंग में निवान को कान्हा बनाया और मैं बनी यशोदा मैया। एक्चुअली उसका पूरा वीडियो वगैरह तो मेरे पास नहीं है अवेलेबल, बिकॉज नहीं थे हस्बैंड घर पे, कोई बनाने वाला भी नहीं था, और निवान बहुत इरिटेट कर रहा था। जिस दिन फेस्टिवल वगैरह उस दिन तो बहुत परेशान करता है। पर मेरे पास फ़ोटोज़ सारी हैं, जो भी हमने क्लिक कराई थी, फ़ोटोशूट करवाया था, वो सारी भी फ़ोटोज़ हैं। तो ये देखिए, वो सब फ़ोटोज़ हैं। ये निवान बना था कान्हा और मैं बनी थी यशोदा मैया। छोटा सा एक वीडियो बाद में हस्बैंड ने बनाया था, वो मैं इन्हीं फ़ोटोज़ के साथ में ऐड कर रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा साथ में। उसके बाद हमारी सोसाइटी में नीचे छोटा सा सेलिब्रेशन जन्माष्टमी का किया गया था, वहाँ पे भी हम थोड़ी देर के लिए गए बस फिर। पर लेकिन मैं 10:30-11 बजे हम लोग ऊपर आ गए थे, बिकॉज़ ऊपर अपने मंदिर में भी हमने कान्हा जी का जन्म करवाना था। तो ये है वीडियो पूरे 12 बजे की, कान्हा जी का हमने जन्म करवाया खीरे से, जैसे कि मैं लास्ट ईयर दिखाया था आप सबको। फूलों में कान्हा को खीरे के अंदर रख दिया जाता है कुछ देर पहले, वो रखा जब, वो तो वीडियो मैंने नहीं बनाया, पर अभी कान्हा इस वक्त इस फूलों में और खीरे में ही है। तो बस बाद में हम खीरे को काट के और कान्हा जी का जन्म करवाते हैं। तो ये कान्हा जी के जन्म का वीडियो है सारा। कान्हा जी का जन्म करवा के फिर से पूरे प्रॉपर तरीके से उन्हें पंचामृत से स्नान कराया जाता है, और दोबारा से फिर से न्यू ड्रेस पहना के कान्हा जी का श्रृंगार करेंगे और कान्हा जी की आरती करेंगे।
ड्रेसेस दोनों ही बहुत सुंदर थी, चाहे कोई भी पहन लेते वो। और इवनिंग के टाइम के नाइट के लिए उन्होंने जो पिंक ड्रेस सिलेक्ट करके रखी थी, बाद में हमने उन्हें वो पहनाई। मैं ये नहीं कह सकती कि ये उससे अच्छी है या वो उससे अच्छी है। येलो ड्रेस में भी सुंदर लग रहे थे, पिंक में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो बाद में फिर से मैंने सारा एक्सेसरी ये सब कुछ नया पहनाया, नई ड्रेस पहनाई, और उसकी पगड़ी पहली वाली पगड़ी से भी ज़्यादा सुंदर थी। तो इसीलिए मैं तो हमेशा जो है ऑनलाइन ही ड्रेस इसीलिए बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे शॉप पे पसंद नहीं आती। तो ये देखिए सारा हेयर वगैरह सब कुछ हमने कान्हा जी को पहना दिया, और रात को फिर से हमने उसी तरीके से काजल लगाया, शीशा दिखाया, इत्र लगाया, सारे जो भी हमने सुबह मॉर्निंग में जैसे किया था उसी तरीके से हमने सब कुछ किया। ये देखिए लगा दिए हमने इनकी पगड़ी के अंदर मोर पंख। लीजिए अब आप भी दर्शन कीजिए दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे के। हर माँ को अपना बच्चा सुंदर लगता है, और मेरा लल्ला दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। तो आप ये देखिए सबसे सुंदर बच्चा। उसके बाद हम सब ने मिल के की फिर से कान्हा जी की आरती, कान्हा जी का तिलक तिलक किया, सारी पूजा की, आरती की, और उसके बाद कान्हा जी को भोग लगाया। बस इसी सब में 1:30-2 बज गए थे, बस बाकी कुछ और वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी उस टाइम, बिकॉज मैं सुबह 4 बजे से उठी हुई थी। तो ये था मेरा जन्माष्टमी का वीडियो। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, आपके पास ये वीडियो शो हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल ट्राई कि आगे आगे मैं रूटीन में आ जाऊं और फिर से मैं पहले की तरह वीडियोस अपलोड करनी शुरू करूं, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मेरे चैनल पर आती हैं। ये तो फेस्टिवल ब्लॉग है जो मैं डाल देती हूँ, बट बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है और आगे भी आएंगी। अभी मैं बहुत सारी घर के लिए जो मैंने सामान मंगाया था न्यू, उसकी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट अनबॉक्सिंग वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो वो सब आपको तभी मिल पाएंगी अगर आपके पास मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा, उसकी नोटिफिकेशन तभी आएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ है मेरा छोटा सा लल्ला, मेरा कान्हा, मेरा निवान। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा था, बस ये है कि बच्चे थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं इस ड्रेस में। देखिए कितना प्यारा, इसकी भी ड्रेस मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी, बन के ऑर्डर पे ही आई थी ये ड्रेस, बहुत प्यारी ड्रेस थी इसकी भी। तो ये था हमारा वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।